इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, नोखा बीडीओ साजिया तबस्सुम निलंबित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त बीकानेर से आपके सामने है, नोखा बीडीओ साजिया तबस्सुम निलंबित। एसीएस रोहित कुमार सिंह ने यह निलंबन किया है, निलंबित उनको किया है। विभागीय जांच थी विचाराधीन और कुछ और मामलों में भी थी शिकायत, लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद ये कार्रवाई हो गई है। मुख्यमंत्री से मिलकर सरपंचों ने की थी शिकायत जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त की, नोखा बीडीओ साजिया तबस्सुम निलंबित कर दी गई है और एसीएस रोहित कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है, निलंबित उन्होंने किया है और विभागीय जांच विचाराधीन थी और मुख्यमंत्री से कई बार शिकायतें भी सरपंचों ने की थी। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, यह लगातार शिकायतें सरपंचों की तरफ से भी की गई और कई शिकायतें भी साजिया के खिलाफ आई थी सामने, साजिया पर कई आरोप भी लगाए गए थे, उसके बाद अभी बड़ी कार्रवाई एसीएस ने की है। देखिए, निश्चित तौर पर एसीएस रोहित कुमार सिंह के आदेश पर ही निलंबन हुआ है और दरअसल करप्शन को लेकर शिकायतें की जा रही थी। सरपंचों ने मुलाकात की थी, बताया तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के एक विधायक जो हैं वो भी मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी जिसके बाद जांच हुई और विभागीय जांच भी पेंडिंग थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर एसीएस रोहित कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए नोखा बीडीओ जो है साजिया तबस्सुम को निलंबित कर दिया और कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि ये बात लगातार आती है। मनरेगा और ऐसे जो एक तरह से कहिएगा कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन पर फोकस रहता है, उनमें यदि इस तरह की शिकायत जनप्रतिनिधि करते हैं तो उस पर ये कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।